वर्तमान क्वेश्चन नंबर सेवेन ने दिया जाइथिबा चित्र को देख प्रश्न अच्छी ए बी टी वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु है पी वृत्त उपरिस्थ जेकोसी तीन टा बिंदु को लेकिन आम वृत्तर नामकरण कर तो यही वृत्तर नाम है ए बी टी वृत्त ए बी टी वृत्तर गोटे बहिस्थ बिंदु है पी पी बिंदुगामी एक छेदक उक्त वृत्त को ए आउ बी बिंदु छेद कै जपरिकी पी ए बी पी बिंदुगामी छेदक वृत्त को ए आउ बी बिंदु छेद कै जपरिकी आगे पी तापर ए तापर बी बुझेगा पी बिंदुगामी स्पर्शक रश्मि स्पर्श बिंदु है टी तो पी बिंदुगामी गोटे स्पर्शक रश्मि जा स्पर्शक रश्मिर स्पर्श बिंदु है टी बुझेगा वृत्त को टी बिंदु स्पर्श करुच्ची तेबे एठारे प्रथम प्रश्न अच्छी जे ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप जदि 60 डिग्री बी वाई टी चापर डिग्री परिमाप है 130 डिग्री हुए तेबे मेजरमेंट ए टी पी मेजरमेंट ए पी टी मेजरमेंट ए टी बी व मेजरमेंट बी टी क्यू निर्णय कर बुझेगा तो एठारे आमको दत्तरे ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप दि जाइए बी वाई टी चापर डिग्री परिमाप दि जाइए गोटे चापर डिग्री परिमाप कहार अर्थ होपटी वृत्तर केन्द्र ठारे केते परिमाणर कोण अंकन करे एठारे देखो ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री अर्थात ए एक्स टी चाप वृत्तर केन्द्र ठारे 60 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करे बुझेगा तो ए एक्स टी चाप देख मन करवा वृत्तर केन्द्र हो देख ए एक्स टी चाप वृत्तर केन्द्र ठारे 60 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करे बी वाई टी चापर डिग्री परिमाप है 130 डिग्री माने बी वाई टी चाप वृत्तर केन्द्र ठारे 130 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करे 130 डिग्री बुझेगा एबे देखो आमको ए टी पी कोणर परिमाण बाहर करने पड़ ए पी टी कोणर परिमाण बाहर करने पड़ ए टी बी कोणर परिमाण बाहर करने पड़ एवं बी टी क्यू कोणर परिमाण बाहर करने पड़ बुझेगा तो आम कौन कर दत्त लेखि नवा प्रथम तुम्हें लेख दत्तरे ये हूँ आम दत्त जे ए बी टी वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु है पी पी बिंदुगामी एक छेदक उक्त वृत्त को ए आउ बी बिंदु छेद कै जपरिकी पी ए बी पी बिंदुगामी स्पर्शक रश्मि स्पर्श बिंदु है टी बुझेगा तापर आम दत्तरे लिखा ये दुटा जिनस जे मेजरमेंट ए एक्स टी चाप इज इक्वल टू 60 डिग्री एवं मेजरमेंट बी वाई टी चाप इज इक्वल टू 130 डिग्री बस एतिकी हेउची आमर दत्त दत्त परे निर्णय निर्णय हेउची ए चारटा कोणर परिमाण लेख एठी निर्णय मेजरमेंट ए टी पी कमा मेजरमेंट ए पी टी कमा मेजरमेंट ए टी बी व मेजरमेंट बी टी क्यू यही सब कोणर परिमाण आमको निर्णय करने पड़ बुझेगा निर्णय पर आम जीवा समाधान को लेख समाधान देख आम केणर परिमाण बाहर करवा ना ए टी पी कोण ए टी पी कोण कहीं ए टी पी कोण अंकन कर ए टी पी कोण यही कोण यही कोणर परिमाण आमको बाहर करने पड़ ए पी टी कोण ए पी टी कोण कहीं ए पी टी कोण माने यही कोण ए टी बी कोण ए टी बी कोण कहीं देख ए टी बी कोण ए टी बी कोण भी हो गला तापर देख बी टी क्यू कोण बी टी क्यू कोण यही कोण हला तो चारटा कोणर परिमाण आम बाहर करवा ये चारटा कोणर परिमाण केमती बाहर देख प्रथम देख ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप दि जाए 60 डिग्री बुझेगा यार विपरीत चापातर लिखित कोण है ए बी टी कोण बुझेगा ना तो ए बी टी कोणर परिमाण केते
गोटे चापर डिग्री परिमापर अर्धेक होउची यार विपरीत चापर चापांतर लिखित कोण बुझीला। तो जदि ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री हुए तबे ए बी टी कोणर परिमाण हो 60 डिग्री अधा माने 30 डिग्री बुझीला। तो लेख मेजरमेंट ए एक्स टी चाप इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाफ ऑफ मेजरमेंट ए एक्स टी चाप इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, उभय पार्श्वरे हाफ नहीं जीवा। तो ए एक्स टी चापर डिग्री परिमापर अर्धेक होउची यार विपरीत चापांतर लिखित कोण माने ए बी टी कोण। तो आम ए एक्स टी चापर डिग्री परिमापर अर्धेक लिखिपरिया मेजरमेंट ए बी टी कोणर परिमाण समान 60 डिग्री अधा होठारे 30 डिग्री। तो ए बी टी कोणर परिमाण के 30 डिग्री बुझीला। ए बी टी कोणर परिमाण तो आमको मागिनी एठारे किंतु आम ए बी टी कोणर परिमाण एठारे बाहर करदेलु। एबे देख ए बी टी कोणर परिमाण जहाँ ए टी पी कोणर परिमाण भी सैया कहीं एकांतर चापांतर लिखित कोण बुझीला। तो देख ये हूँ गोटे ज्या ज्यार गोटे प्रांत बिंदु गोटे स्पर्शक अंकन करा जाइछि तेणु ए टी पी कोणर एकांतर चापांतर लिखित कोण किए हम टी बी ए कोण बा ए बी टी कोण बुझीला। तो लेख एठारे मेजरमेंट ए बी टी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए टी पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए टी पी कहीं ना एकांतर चापांतर लिखित कोण एकांतर चापांतर लिखित कोण बुझीला। वर्तमान ए बी टी कोणर परिमाण आम जस्ट बाहर कर दे कि आसिलु 30 डिग्री तेणु एठारे ए टी पी कोणर परिमाण मध्य हे जीव सेई 30 डिग्री बुझीला। तो आम लिखा डी सिंप्लाइज दैट मेजरमेंट ए टी पी इज इक्वल टू 30 डिग्री बुझीला। तो गोटे कोणर परिमाण बाहरी गला ए टी पी कोण। वर्तमान देख जदि एही कोणर परिमाण 60 डिग्री अच्छी माने ए ओ टी कोणर परिमाण 60 डिग्री आउ बी ओ टी कोणर परिमाण 130 डिग्री तबे बी ओ ए कोणर परिमाण केते हबो एही कोणर परिमाण केते हबो बी ओ ए कोणर परिमाण केते हबो ना आमे 360 डिग्री रु 130 डिग्री आउ 60 डिग्री को वियोग कर देले जणा पड़ जिवो बुझियाला ना। देख पूरा वृत्त हबा पई हमकु 360 डिग्री दरकार ना। तो देख यही दुटा कोणर परिमाण जदि 60 डिग्री आउ 130 डिग्री हुए तेज तृतीय कोणर परिमाण कौन हम 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 130 डिग्री बुझीला। तो यठार मेजरमेंट बी ओ ए कोणर परिमाण बाहर कर मेजरमेंट बी ओ ए बा ए ओ बी। तो लेख जे मेजरमेंट ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो के आसब 300 गले 200 230 गले के 170 170 डिग्री आम पाइबा। तो बी ओ ए कोणर परिमाण के 170 डिग्री। एबे बी ओ ए कोणर परिमाण जहाँ ये चापर डिग्री परिमाप से बुझीला। तो बी ए चापर डिग्री परिमापर अर्धेक होउची कोण माने बी टी ए कोण। जदि बी ओ ए कोणर परिमाण 170 डिग्री हुए तबे बी टी ए कोणर परिमाण तार अधा हो बुझीला। ए बी ए चापर डिग्री परिमापर अर्धेक हम तार विपरीत चापांतर लिखित कोण माने बी टी ए कोण। बी टी ए कोणर परिमाण हो 170 डिग्री अधा 170 डिग्री अधा के 100 अधा 50 70 35 तो 50 आउ 35 को मिसाई दियो 85 बुझीला ना। तो ये 85 डिग्री आसीबो मेजरमेंट बी टी ए आसीबो 85 डिग्री। तो लिखिबा मेजरमेंट बी टी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ओ बी रो अधा माने 170 डिग्री रो अधा माने आमे पाइबा 85 डिग्री केते पाइबा 85 डिग्री। तो एही कोणर परिमाण आमे पाइगले 85 डिग्री। जदि एही कोणर परिमाण 85 डिग्री हुए आउ एही कोणर परिमाण आमे बाहर कर देइचे 30 डिग्री
ये 30 डिग्री ये 85 डिग्री तेज यही कोणर परिमाण के बी टी क्यू कोणर परिमाण के पार देख यनटा कोण को मिसेले आम पाइबा 180 डिग्री हाँ कि ना कहीं गोटे सरल कोण गठन करनटा कोणर परिमाणर समष्टि के 180 डिग्री तो तीनटा कोण भितर दुईटा कोणर परिमाण आम पाई तृतीय कोणर परिमाण पाइबा कि पाइबानी आराम से पाई 180 डिग्री यही दुईटा कोणर परिमाण को वियोग करदे 180 डिग्री आम वियोग करा 85 डिग्री आज 30 डिग्री बुझीगला तो ये मुझ दत्त को टी लिभे दूची जहाँफल कि मत जगह मिल जा बुझीगला तो मुझ दत्त को ये टिके लिभे दूची देख आम बाहर करवा बी टी क्यू कोणर परिमाण लेख एठारे मेजरमेंट बी टी क्यू कोणर परिमाण बाहर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री माइनस 30 डिग्री कले तो 180 डिग्री जदि आम 85 डिग्री को वियोग करवा वियोगफल के 180 80 गले 100 100 5 गले 95 तो 95 डिग्री 30 डिग्री को वियोग कर 90 30 गले के 60 तो 65 डिग्री बाहर जीव 65 डिग्री केते डिग्री 65 डिग्री बुझीगला तो मागी कि बी टी क्यू कोणर परिमाण हाँ मागी तो बी टी क्यू कोणर परिमाण अधा रास्त बाहरी गला केते 65 डिग्री बा 65 डिग्री बुझीगला एबे बी टी क्यू कोण बाहरी गला आउ बाहर करते कहिछि ए टी बी कोण ए टी बी कोण कहीं देखनियो ए टी बी कोण ये तो बाहर कर देछि हमें ए टी बी कोण एठी देखो एटा होची ए टी बी कोण बा बी टी ए कोण बी टी ए कोण जहाँ ए टी बी कोण भी सहीया बुझीगला यार परिमाण आम के बाहर करचे 85 डिग्री तो आम एनटा कोणर परिमाण बाहर कर दे सारे आकी रहा गोटे कोण मान ए पी टी कोण यही कोण ए पी टी कोण यही कोणर परिमाण बाहर करवा बहुत सहज देख ये बड़ त्रिभुज बी टी पी त्रिभुज को देख बी टी पी त्रिभुज यही त्रिभुज को लक्ष्य कर यही त्रिभुज आमको दुईटा कोणर परिमाण अलरेडी जना अच्छी एवं तृतीय कोणर परिमाण बाहर करवा लेख त्रिभुज बी टी पी रे मेजरमेंट पी बी टी प्लस मेजरमेंट बी टी पी प्लस मेजरमेंट बी पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि के 180 डिग्री से पी बी टी कोणर परिमाण यही कोणर परिमाण आम पूर्व ही बाहर कर दे 30 डिग्री पी बी टी कोणर परिमाण के 30 डिग्री अरे देख ए बी टी कोणर परिमाण के 30 डिग्री ए बी टी कोणर परिमाण जहाँ पी बी टी कोणर परिमाण विषय नुहे कि तो यही कोणर परिमाण आम आगु ही बाहर कर दे 30 डिग्री लिखिद 30 डिग्री प्लस बी टी पी कोण बी टी पी कोण बी टी पी कोणर परिमाण केमती बाहर ना 85 डिग्री प्लस 30 डिग्री 85 डिग्री प्लस 30 डिग्री कले आम बी टी पी कोणर परिमाण पाइबा किंतु बी पी टी कोणर परिमाण आम जानू तो आम लिखा प्लस मेजरमेंट बी पी टी कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री बुझीगला बर्तमान देख 30 60 60 युक्त 80 के 60 युक्त 80 हो 145 आम पाइबा 145 डिग्री प्लस मेजरमेंट बी पी टी इज इक्वाल टू 180 डिग्री 145 डिग्री ए पाखे प्लस होर पाक गले कौन हो माइनस तो 180 रु 145 को वियोग कर आम पाइबा 35 डिग्री तो मेजरमेंट बी पी टी इज इक्वाल टू 35 डिग्री लेख मेजरमेंट बी पी टी इज इक्वाल टू 35 डिग्री बुझीगला ना चलो सबुगुड़ा कोणर परिमाण बाहर गला जो ए पी टी कोणर परिमाण आमको बाहर करते कही ए पी टी कोणर जहाँ बी पी टी कोणर भी परिमाण सैया बुझीगला तो यठार बी पी टी कोण जगह आम लिखिपर मेजरमेंट ए पी टी इज इक्वाल टू 35 डिग्री बास आमको मागि प्रत्येक कोणर परिमाण आम बाहर कर देचु एठार क्वेश्चन नंबर 7 बीट 1 समाधान सरी जाइए बर्तमान देखा बीट 2 प्रश्न कौन अच्छी बर्तमान बीट 2 प्रश्न अच्छी जे मेजरमेंट बी टी क्यू इज इक्वाल टू 2 मेजरमेंट ए टी पी हेले प्रमाण कर जे एठारे आमको दुईटा कथा प्रमाण करने पड़ प्रथम आम प्रमाण करवा बी टी इज इक्वाल टू टी पी तापर आम प्रमाण करवा
TAG equal to AP बुझेला दीटा कथा प्रमाण करिया पई पड़िबो तो चित्र को टिके लक्ष्य करो उपरोक्त चित्र रे कोण दत्त अछि ना मेजरमेंट BTQ is equal to 2 मेजरमेंट ATP प्रथमे BTQ को देखो BTQ एई कोण BTQ is equal to 2 मेजरमेंट ATP 2 मेजरमेंट ATP बुझेला दीटा ATP कोण हेले गोटे BTQ कोण हबो तो प्रथमे आमे दत्त लेखि नबा उपरोक्त चित्र रे मेजरमेंट BTQ इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ATP ये हला हमर दत्त दत्त परे आमे जिबा प्रामाण्य को एठारे दीटा कथा प्रमाण करिया पई पड़िबो प्रथमे आमे प्रमाण करिबा BT इज इक्वल टू TP तापरे प्रमाण करिबा TA इज इक्वल टू AP बुझियला दत्त गला प्रामाण्य गला एबे जिबा प्रमाण को तो मु एठी प्रमाण करूची लेख प्रमाण बा प्रूफ देखो दत्त दिया जाइची मेजरमेंट BTQ इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ATP लेख दत्त अछि मेजरमेंट BTQ is equal to 2 measurement ATP बुझेला एबे देखो ये जो BTQ कोण अछि ये BPT त्रिभुज रो एक बहिस्थ कोण BPT त्रिभुज रो बहिस्थ कोण हे उचि BTQ कोण आ हमें जानिचु जे गोटे त्रिभुज रो एक बहिस्थ कोण रो परिमाण एहर अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वय रो परिमाण रो समष्टि सहित समान बुझेला ना तो हमें लिखि परिबा जे त्रिभुज BPT रे मेजरमेंट BTQ एक बहिस्थ कोण बहिस्थ कोण रो परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वय रो परिमाण रो समष्टि सहित समान हुए तो हमें लिखि परिबा अतएव मेजरमेंट BTQ is equal to measurement TBP plus measurement BPT बुझेला वर्तमान हमें कौन करिबा ना measurement TBP जगह लिखि परिबा measurement TBA TBP जगह हमें लिखि परिबा कि मेजरमेंट TBA अरे TBP कोण जहा TBA कोण विषय अनु है कि बुझियला ना तो TBP कोण जगह लिखि दियो TBA कोण तो हमें पाइबा मेजरमेंट BTQ इज इक्वल टू मेजरमेंट TBA प्लस मेजरमेंट BPT बुझियला एबे देखो TBA कोण रो परिमाण जहा ATP कोण रो परिमाण भी सेया काहे कि ना एकांतर चापांतर लिखित कोण ए माने कोण हेबे एकांतर चापांतर लिखित कोण बुझियला तो लेख मेजरमेंट BTQ इज इक्वल टू मेजरमेंट ATP प्लस मेजरमेंट BPT बुझियला ए दीटा कोण काहे कि समान ना एकांतर चापांतर लिखित कोण पाई सेति पाई आमे लिखि परिबा मेजरमेंट TBA जगह रे मेजरमेंट ATP बुझियला तो तमे चाहिले एट ब्रैकेट रे लिखि देई परिबो जेहेतु ए दीटा कोण परस्पर एकांतर चापांतर लिखित कोण सेति पाई एमानकर परिमाण समान बुझियला चलो वर्तमान देखो दत्त अछि BTQ कोण जगह रे आमे लिखि परिबा 2 मेजरमेंट ATP बुझियला तो लेखो ए BTQ कोण जगह रे लेखो 2 मेजरमेंट ATP मु एठ लिखुची 2 मेजरमेंट ATP इज इक्वल टू मेजरमेंट ATP प्लस मेजरमेंट BPT बुझियला ए जो ATP कोण ए पाखरे प्लस हे कि अछि बाम पाकु आसले माइनस हे जीवो बुझियला 2 मेजरमेंट ATP माइनस मेजरमेंट ATP
दीटा मेजरमेंट एटीपी रु जदि आमे गोटे मेजरमेंट एटीपी को माइनस कर दबा तो उत्तर कौन आसीबो आ गोटे मेजरमेंट एटीपी आसीबो बुझियाला ना टू मेजरमेंट एटीपी माइनस हो मेजरमेंट एटीपी आमे पाइबा केवल मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी बुझियाला मेजरमेंट एटीपी कहीं देखो मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी बुझियाला आमे कौन प्रमाण कलु ना यही दीटा कोणर परिमाण समान बुझियाला यही दीटा कोणर परिमाण समान बोली आमे प्रमाण कलु एबे देखो त्रिभुज एटीपी को त्रिभुज एटीपी रे दीटा कोणर परिमाण समान हो गलाणी माने सेमानंकर सम्मुखीन बाहुद्वयर दैर्घ्य मध्य समान हबो बुझियाला जेहेतु दीटा कोणर परिमाण समान तेणु दीटा बाहुर दैर्घ्य समान हबो केउ केउ बाहु ना एटी बाहु सहित एपी बाहुर दैर्घ्य समान हबो एटी इज इक्वल टू एपी बुझियाला तो मुँ प्रमाण को टिके लिभेइ दउची आगकु प्रश्नर समाधान करिया पई मुँ एठी टिके प्रमाण को लिभेइ दउची देख आमे वर्तमान पर्यंत कोण प्रमाण कलु ना मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी लेख त्रिभुज एटीपी रे मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी तो एठारे आमे बीपीटी को लेखिबा एपीटी बुझियला बीपीटी कोण जहा एपीटी कोण भी सेया बुझियला तो वर्तमान आमे बीपीटी कोण जगह एपीटी कोण लिखिदबा जेहेतु गोटे त्रिभुजर दीटा कोणर परिमाण समान तेणु से ही कोण द्वयर सम्मुखीन बाहु दीटार दैर्घ्य मध्य समान हबो अर्थात एटी इज इक्वल टू एपी आमे लिखिबा डिस इम्प्लाइज दैट एटी इज इक्वल टू एपी बस एटी देखो द्वितीय कथाटा प्रमाण होगा टीए इज इक्वल टू एपी एटी बा लिखिपर टीए टीए इज इक्वल टू एपी प्रूव्ड बुझेला तापरे आमे प्रथम कथा को प्रमाण करिबा माने बीटी इज इक्वल टू टीपी बोली प्रमाण करिबा बुझेला ना बीटी काही बीटी इज इक्वल टू टीपी ता माने बड़ त्रिभुज को आमको देखिया पई पड़िबो बुझेला ए बड़ त्रिभुज को देखो ए बड़ त्रिभुज रे एई दीटा कोणर परिमाण जदि समान हे जिवो ताहाले सेमानंकर सम्मुखीन बाहु दीटार दैर्घ्य मध्य समान हे जिवो बुझेला तो देखो आमे कौन प्रमाण करथिलु ना मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी लेख जे पूर्वरु प्रमाणित जे मेजरमेंट एटीपी इज इक्वल टू मेजरमेंट बीपीटी एबे एटीपी कोण जगह आमे लिखि परिबा मेजरमेंट टीबीए कहीं कि ए दीटा कोण हेउचंती एकांतर चापांतर लिखित कोण बुझियला तो ए टी पी कोण जगह लेख मेजरमेंट टी बी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी टी बुझियला टी बी ए कोण जहा टी बी पी कोण भी सेया बुझियला टी बी ए कोण जहा टी बी पी कोण भी सेया तो आम लिखि परिबा मेजरमेंट टी बी पी कोण इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी टी कोण इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी टी कोण वर्तमान तुम्हें ये पूरा बड़ त्रिभुज को देख पूरा बड़ त्रिभुज त्रिभुज टी बी पी त्रिभुज टी बी पी रे ए दीटा कोणर परिमाण समान तेणु सेमानंकर सम्मुखीन बाहु दीटार दैर्घ्य मध्य समान हबो अर्थात बीटी इज इक्वल टू पीटी बुझियला लेख त्रिभुज टी बी पी रे मेजरमेंट टी बी पी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी टी दिस इम्प्लाइज दैट टी बी इज इक्वल टू टीपी बा बीटी इज इक्वल टू टीपी बुझियला बीटी इज इक्वल टू टीपी लेख BT इज इक्वल टू TP बस एक कथा ही प्रमाण करिया पे कहा जाई थिला लिखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझियला तो बीट टू प्रश्नर समाधान सरी जाइछि वर्तमान आमे बीट थ्री प्रश्नर समाधान करिबा बीट थ्री प्रश्न अछि PA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
PT is equal to 12 cm हेले AB रो दर्घ्य निर्णय करो। देखो एठारे ABT वृत्त रे P एक बहिष्ट बिंदु, PT वृत्त प्रति अंकित तो एक स्पर्शक खंड एवं PAB एक छेदक जेपरि कि प्रथमे P तापरे A तापरे B बुझिएला। दत्त अच्छी PA is equal to 8 cm, PT is equal to 12 cm तबे AB रो दर्घ्य केते हेबो आमे जानिचु गोटे वृत्तर एक बहिष्ट बिंदु पी रु वृत्त प्रति अंकित तो एक स्पर्शक खंड पीटी एवं पीएबी वृत्तर एक छेदक हेले पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर हुए। उपपाद्य 14 पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। उपपाद्य 14 अनुजाई गोटे वृत्तर एक बहिष्ट बिंदु पी रु वृत्त प्रति अंकित तो स्पर्शक खंड पीटी एवं पीएबी वृत्तर एक छेदक हेले पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर बुझेला। उपपाद्य 14 समस्त मन अच्छी तो डायरेक्ट आम लिखिदे पारिबा एठारे जे उपपाद्य 14 अनुजाई PA into PB is equal to PT square। PA जगह आम लिखा 8 cm, PA जगह 8 लिख into PB is equal to PT square जगह लिखा 12 cm रो होल स्क्वायर, 12 रो होल स्क्वायर लिख आम पाइबा 8 into PB is equal to 144। 12 रो स्क्वायर के 144 8 पाखे गुणन हो चार पाक गले कौन होरण हो तो 8 रे काटि 144 को 8 के 8 64 8 अष्टा 64 18 तो आमे पाइबा पीबी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। केते सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर किंतु आम को एठारे पीबी मागिनी मागिची कौन एबी बुझेला। आमे केवल एबी रो दर्घ्य बाहर करिबा तो एबी रो दर्घ्य केमती बाहर जदि आम पीबी रु पीए को माइनस करदे आउ रही एबी। देख जदि आम पीबी रु पीए को माइनस करदे आउ कौन रबी रहा बुझेला ना तो आम लिखा अतएव एबी इज इक्वल टू पीबी माइनस पीए अर्थात 18 वियोग 8 सेंटीमीटर। 18 रु 8 वियोग कले आम के 10 सेंटीमीटर बुझेला तो एबी के 10 सेंटीमीटर बुझेला तो कहार किसी डाउट रहा कि चलो ठीक अच्छे। बर्तमान आम जा बीट 4 को देख बीट 4 रो सिमिलर प्रश्न अच्छी दि जाए पीटी इज इक्वाल टू 2AP एवं एबी इज इक्वाल टू 18 सेंटीमीटर हेले पीटी रो दर्घ्य निर्णय कर। पीटी इज इक्वाल टू 2AP दीटा एपी हेले गोटे पीटी हम आउ एबी रो दर्घ्य दि जाए 18 सेंटीमीटर तेबे पीटी रो दर्घ्य केते हेबो तो आमे आरंभ करिबा सेई उपपाद्य 14 रु उपपाद्य 14 अनुजाई पीए इंटू पीबी इज इक्वाल टू पीटी स्क्वायर। पीए जगह पीए थाउ पीबी जगह पीबी थाउ इज इक्वाल टू पीटी स्क्वायर। पीटी जगह लिखा 2AP पीटी जगह कौन लिखा 2AP पीटी स्क्वायर हो जाए 2AP रो होल स्क्वायर बुझेला। एबे देख पीए इंटू पीबी पीए जगह एपी लिखि दियो अरे पीए जहाँ एपी भी से एपी इंटू पीबी इज इक्वाल टू 2AP रो होल स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 एपी रो स्क्वायर हो एपी स्क्वायर 4AP स्क्वायर बुझेला। देख ए पाखे जो एपी अच्छी गुण नहीं कि आर पाक गले हरण हो बुझेला आम पाइबा पीबी इज इक्वाल टू 4AP स्क्वायर डिवाइडेड बाय एपी तले गोटे एपी ऊपर गोटे एपी कैंसिल आम पाइबा पीबी इज इक्वाल टू 4AP लेख पीबी इज इक्वाल टू 4AP बुझेला। एबे पीबी को टिके लक्ष्य कर पीबी पीबी को आम लिखिपर पीए प्लस एबी बुझेला। पीबी को कौन लिखिपर पीए प्लस एबी बा एपी प्लस एबी लेख मुझे लिखुची पीबी जगह लेख एपी प्लस एबी इज इक्वल टू 4AP एबे देखो बाम पाखे जो एपीटा प्लस होती अच्छी डाण पाक गले माइनस हो बुझेला
तो 4ap माइनस ap केते हि जीवो 3ap आमे पाइबा ab इज इक्वल टू 3ap ab इज इक्वल टू 3ap तो ab जगह रे आमे केते लिखि परिबा 18 सेंटीमीटर ab जगह रे लिखो 18 तो 3ap इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तीनटा ए पाखरे ap सहित गुणन हे कि अछि आर पाकु गले हरण हे जीवो 18 हरण 3 केते 3 6 18 18 हरण 3 हे जीवो 6 तो आमे पाइबा ap इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर किंतु आमको प्रश्न रे ap मागिनी आमको मागिछि pt तो pt केमति बाहरिबो 2ap 2 into 6 ap जगह रे केते लिखिबा 6 सेंटीमीटर अतएव pt रो दैर्घ्य बाहरिबो 2ap माने 2 into 6 सेंटीमीटर माने 12 सेंटीमीटर बुझियला वर्तमान आमे बिट 5 को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 रो लास्ट बिट बिट 5 प्रश्न अछि pt इज इक्वल टू 2ap एवं pb इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हेले pt रो दैर्घ्य निर्णय करो बुझियला तो देखो सिमिलर प्रश्न अछि एठी हमको pb रो दैर्घ्य दिया जाय छि 24 सेंटीमीटर तो आमे समिति ही करिके आनिबा तो pa * pb इज इक्वल टू 4ap स्क्वायर हि जीवो दत्तरे सेम जिंस अछि ना देखो उपपाद्य 14 अनुसार pa * pb इज इक्वल टू pt स्क्वायर तो pa * pb इज इक्वल टू pt जगह लिखिबा 2ap बुझियला तो 2ap रो होल स्क्वायर हि जीवो तो आमे पाइबा pa * pb इज इक्वल टू 4ap स्क्वायर बुझियला देखो ए जो ap अछि ए पाखरे गुणन हे कि आर पाकु गले हरण हे जीवो आ गोटे ap सहित तो गोटे ap कैंसिल हे कि आमे पाइबा pb इज इक्वल टू 4ap बुझियला ए पाखरे गोटे ap आ आर पाखरे गोटे ap कैंसिल हे जीवो बुझियला ए जो ap टा ए पाखरे गुणन हे कि अछि आर पाकु गले हरण हे जीवो बुझियला ना हलानी चलो ठीक अछि एबे pb रो दैर्घ्य दिया जाय छि परा 24 सेंटीमीटर तो pb जगह रे लेखो 24 आम पाइबा 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4ap चारिटा ap सहित गुणन हे कि अछि बाम पाकु आसीले 24 तळे हरण हे जीवो 24 रे 4 हरण करले आम पाइबा 6 तो ap इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बुझियला केते पाइबा ap इज इक्वल टू केते 6 सेंटीमीटर ap रो दैर्घ्य पाइ गेले 6 सेंटीमीटर मागिछि pt बुझियला तो आमे pt रो दैर्घ्य बाहर करिबा pt इज इक्वल टू 2ap तो माने 2 इंटू 6 सेंटीमीटर माने 12 सेंटीमीटर ap रो दैर्घ्य केते बाहर ला 12 सेंटीमीटर बुझियला तो चलो एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 7 नो समाधान सरी जाइछि आजिरो क्लास को हम 8 रखिबा धन्यवाद।